देख वो आ रहा है। ये कहाँ गया था? क्या पता। आज समय है क्या? है ना, 5 मिनट में आता हूँ। अरे बाइबल लाना था, लेके आता हूँ। सुनो, आज क्या डिस्कस करेंगे? तू सबसे पहले यहाँ के बैठ, तभी तो बताएंगे। ये क्या लेके बैठा है? ये तो पत्ता है ना? ये तो मुझे भी पता है। ये तो खजूर का पत्ता है ना? हाँ, ये खजूर का पत्ता। जब ईसा मसीह यरूशलेम में गए तो उनका स्वागत के लिए वहाँ के लोगों ने खजूर के पत्ते द्वारा उनका स्वागत किया। उस समय होसाना होसाना कहकर पुकारते थे ना? होसाना होसाना का मतलब क्या? होसाना का मतलब भी पता नहीं है? हाँ हाँ, इब्रानी भाषा में ना होसाना का मतलब होता है हमें बचाइए। ईश्वर के राज्य की घोषणा करने के लिए ईसा मसीह स्वेच्छा से अपनी मृत्यु को गले लगाता है। ईश्वर ने मनुष्य जाति को इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को क्रूस पर दे दिया। अच्छा। और ईसा बीमारों को और कुष्ठ रोगी को चंगा करते हैं। अब्दुतग्रस्त लोगों को शैतान के चंगुल से मुक्त करता है। संक्षेप में, उसने यह सब इसलिए किया कि इसराइली जनता आने वाले मसीह की राह देख रही थी। हाँ फ्रांसिस, जब प्रधान याजक ईसा से पूछते हैं क्या तुम मसीह जीवंत ईश्वर के पुत्र हो, तो वह कहते हैं मैं वही हूँ। हाँ, हमें यह भी सोचना चाहिए कि हमें यीशु मसीह कैसे बचाया पापों से, बंधनों से। सुनो, ईसाया नबी का ग्रंथ से अध्याय 53 पद संख्या 4-6 तक। परंतु वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था, और हम उसे दंडित, ईसा का मरा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हम सब अपना अपना रास्ता पकड़कर भेड़ों की तरह भटक रहे थे। ईसा मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में बोल रहे हो क्या? हाँ, वही बात कर रहे हैं। ईसा हमारे लिए मर गए, वे हमें चाहते हैं और हमें ढूंढ कर पापों से बचाते हैं। ईसा मसीह की मृत्यु पहले तो पास का बलिदान है जो निर्णायक रूप से जगत के पाप हर लेता है। ईसा के दुख भोग और मृत्यु में मनुष्य के प्रति ईश्वर का प्यार प्रदर्शित होता है। एक ऐसी मृत्यु जिससे जीवन का झरना फूट पड़ता है, यह हमारे विश्वास का रहस्य है। कुरिन्थियों के पहले पत्र से सुनो, इस प्रकार जब जब आप लोग यह रोटी खाते और यह प्याला पीते हैं तो प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। मतलब हमें पवित्र बनने के लिए ईसा मसीह के राहों पर चलना चाहिए। शिष्य कहते हैं ईसा जो मर गया था जैसे कि उसने कहा था, वह जी उठा है और अब मृत्यु पर विजय प्राप्त किया है। ईसा मसीह का पुनरुत्थान हमारे विश्वास का केंद्र बिंदु है,
और हम विश्वास करते हैं कि पाप और मृत्यु के विजेता ईसा मसीह के साथ दुनिया पुनर्जीवित और नवीकृत हो गई। ईश्वर ने सही कहा, तुम सब जो प्यासे हो पानी के पास चले जाओ। तो क्या होता है पवित्र गुरुवार? परम प्रसाद की स्थापना। और पवित्र शुक्रवार? ईसा मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान की याद। हाँ, और पवित्र रविवार? यीशु हमारे लिए जी उठे। प्रभु हमारे ईश्वर, हम तेरा गुणगान करते हैं, सारी रातों को छोड़ तू इस रात में अपनी ज्योति चमकने देता है। खाली कब्र द्वारा तू हमें नई आशा देता है। ईसा मसीह हमारे भाई, हम तेरी प्रशंसा करते हैं, सारी रातों को छोड़ इस रात में तेरा पुनर्जीवित जीवन जीवितों और मृतकों के हमारे डर हर लेता है। अब हम विश्वास और भरोसा कर सकते हैं। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं, सारी रातों को छोड़ इस रात में तू हमें इस बात की समझ देता है कि हमारी मानवता का मापदंड मृत्यु नहीं परंतु प्यार है।